स्टूडेंट्स uh, आइए है देखते हैं एक फैक्टोरियल डिज़ाइन की एग्जांपल। तो ये एक टू बाय टू जो है डिज़ाइन है फैक्टोरियल डिज़ाइन जिसमें एक तरफ मेरे पास जो है दो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स हुआ टेकिंग द क्लास इन द रूम एंड दोज हुआ नॉट टेकिंग क्लास इन द्लास रूम एंड टेकिंग क्लास आउटसाइड द क्लास रूम तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और हमारे पास इसके दो लेवल्स हैं यानी दोज वू आर टेकिंग वन आवर पर क्लास पर वीक एंड दोज वू आर टेकिंग फोर आवर्स क्लास पर वीक तो टाइम एंड इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारा लेवल है तो इसमें हमारे पास जो है चार ग्रुप्स बनेंगे कि जो दिन इन द्लास रूम क्लास ले रहे हैं वन आवर की उसको हम ग्रुप वन कहेंगे और जो हमारे पास आउटसाइड द क्लास रूम क्लास ले रहे हैं वन आवर की उसको हम ग्रुप टू कहेंगे तो और इसके बाद जो है हाँ इन द क्लास रूम क्लास ले रहे हैं फोर आवर्स की उसको हम ग्रुप थ्री कहेंगे और जो हमारे पास क्लास ले रहे हैं आउटसाइड द क्लास रूम फोर आवर्स की उसको हम ग्रुप फोर कहेंगे तो इसके हम जो है उनकी परफॉर्मेंसेस के एवरेज़ कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे इनकी एवरेज़ एक दूसरे से डिफर करती हैं तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा तो इसका नल हाइपोथेसिस ये बनेगा कि जो टाइम हैज़ नॉट अफेक्ट

तो इस एग्ज़ाम्पल में पता ये चलता है कि जो फोर आवर्स की क्लासेस ले रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है वन आवर्स की जो क्लासेस ले रहे हैं तो इसमें जो है दूसरी हमें देखने को चीज़ मिलती है कि जो इनसाइड द जो है क्लासरूम या आउटसाइड द क्लासरूम अगर हम देखें सेटिंग का अफेक्ट तो उसमें हमें पता ये चलता है कि जो इनसाइड द क्लासरूम क्लासेस ले रहे हैं उनका uh, जो है परफॉर्मेंस बेहतर है इन कंपैरिजन विद द आउटसाइड क्लासेस तो अगर हम इन दोनों का अफेक्ट um, देखें कंबिनेशन टाइमिंग एंड सेटिंग का तो हमें यह पता चलता है कि जो क्लासेस ले रहे हैं इन साइड द क्लास रूम दे आर टेकिंग फोर आवर्स क्लास दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग बेटर देन अदर ग्रुप्स अगर हम इसके इंटरेक्शन इफेक्ट की बात करें तो इन क्लास फोर आवर्स पर वी ग्रुप डिफरेंस फ्रॉम ऑल द ग्रूप्स जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया तो यानी ये यानी जो इनसाइड द क्लासरूम क्लासेस ले रहे हैं वो सब्जेक्ट्स और जो चार घंटे की उनकी क्लास लेने वाले हैं वो सब्जेक्ट्स आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन द अदर ग्रुप्स तो ये उनका इंटरेक्शन भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस में सो so, द वन आवर अमाउंट वर्क वेल विद पुल आउट्स वाइल द फोर आवर वर्कस एज वेल विद इन क्लास तो जो वन आवर की क्लास ले रहे हैं आउटसाइड द क्लास रूम उनके लिए उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है जबकि जो ले रहे हैं फोर आवर की क्लास इन क्लास वो उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं